झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 में हुई थी, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 50 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे मौके पर पार्टी का एक आधुनिक कार्यालय बरियातू में बनने जा रहा है, जो पूरी तरह से हाईटेक होगा। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय परिसर में निर्माण कार्य को लेकर अस्थायी कार्यालय हरमू में चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नया कार्यालय 4 तल्ले का होगा। इसमें कार्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस का अलग से सभागार होगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं के रहने के लिए भी इसमें कई कमरे बनाए जाएंगे। ये कार्यालय कई सुविधाओं से लैस होगा। अभी तो कंस्ट्रक्शन होने दीजिए, तब सब तरह का सुविधा होगा। जो आधुनिक कार्यालय को जरूरत है, सभी तरह का उसके जो संचार को उपकरण है, सभी चीजें लगाए जाएंगे, सब यूनिफाइड होगा, सब अच्छा होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नया केंद्रीय कार्यालय बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी रूपरेखा पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह बताते हैं कि अब जमाना हाईटेक का है और ऐसे बदलते समय में पार्टी का कार्यालय भी पूरी तरीके से आधुनिक होगा। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के रहने की व्यवस्था के साथ साथ आधुनिक संसाधन से पूरी तरह से ये कार्यालय लैस होगा। भवन तो देखिए 4 तल्ला 5 तल्ला का ये है अभी, और बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो तो बहुत गांव के रहते हैं। बहुत ऐसे हैं जिनको रांची में ठहरने का पैसा नहीं होता है, रुक नहीं सकते हैं रहने की। अब तो राजधानी हो गया, रांची बहुत खर्चीला शहर हो गया। यहाँ एक दिन में रुकना बहुत सारा पैसा लगता है, खाने पीने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो उसको भी ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए जो उस तरह के कार्यकर्ता होंगे उस ऑफिस में रहेंगे, रुकने का काम करेंगे, अपना काम उम करा करके पार्टी का फिर वो वापस जाएंगे। तो एक तरह से वो जो हमारा बहुत दिनों से लोगों का एक दिमाग में था कि रांची जाने से खर्चा बहुत होता है, इसीलिए लोग आते नहीं थे। गौरतलब है कि पार्टी का दफ्तर पहले काफी छोटा हुआ करता था। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्यालय 50 सालों के बाद एक नए रूप में दिखाई देगा। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं में भी इसे लेकर उत्साह नजर आ रहा है। इस वक्त हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय के बाहर हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास आप देखेंगे तो इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। लगभग 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अब पार्टी का जो दफ्तर है वो पूरी तरह से हाईटेक होने जा रहा है। और ये हमारे पीछे जो आप केंद्रीय कार्यालय का जो गेट देख रहे हैं, फिलहाल अभी बंद है, और यहाँ पे पूरी तरह से एक हाईटेक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यालय होगा वो बनेगा। तो 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक हाईटेक भवन बनने जा रहा है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन राजेश तिर्की के साथ अंजनी कुमार, रांची।